हेलो, वेलकम टू एस्पायरेंट UPSC IAS। हम अपने अपनी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में अब डिस्कस करेंगे अबाउट द परसेंटेज के अलग टॉपिक्स को, जो कि हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कम एंड कंपैरिजन लीडिंग टू बेस सिस्टम। इसके पहले के सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं, परसेंटेज का आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कन्वर्जन क्या है, एंड देन उससे रिलेटेड उनके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के क्वेश्चंस कैसे को करते हैं। अब परसेंटेज में कुछ दो टॉपिक, दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं दो तरीके के, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। सक्सेसिव परसेंटेज का चेंजेस का मतलब है कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ क्वेश्चंस में पूछ लेना। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तरीके से इसको समझते हैं। एग्जांपल है कि एक क्वांटिटी 300 इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट वाज डिक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड आउट द न्यू क्वांटिटी इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन 300। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपसे परसेंटेज के फॉर्म में ही पूछा जा रहा है और आंसर भी आपको परसेंटेज के फॉर्म में ही देना है। एक क्वांटिटी है 300 जो 20% इंक्रीज हो गई, देन 10% डिक्रीज हो गई, तो हमें पता करना है कि जो नई क्वांटिटी आई है वो 300 से कितना परसेंटेज लेस और मोर है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं, जिसमें आपकी एक वैल्यू को कुछ परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज करके नई वैल्यू को उसका प्राइमरी वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको जो पिछले सेक्शन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी अबाउट द परसेंटेजेस, उसी मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे और उसी मेथड को हम इसमें इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपका नंबर जो है 300, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। इफ इट इज़ इंक्रीज बाय 20%, देन योर व्हाट विल बी द योर न्यू नंबर? 300 प्लस 300 इंटू 20 इंटू 1/100, यही है आपका, दिस इज़ योर न्यू नंबर। ये नया नंबर आपका क्या हो गया? 300 प्लस 60, दिस इज 360, दिस इज योर इंक्रीज नंबर। देन दिस वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय 10% माइनस 10% ऑफ 360, देन 360 माइनस 360 इंटू 10/100, दिस 36, 360 माइनस 36, वट वुड बी दिस? दिस वुड बी योर्स, अगर हम माइनस करते हैं 360 को 36 से, तो दिस वुड बी 324। नाउ दिस इज़ योर न्यू नंबर। अब आपको बताना है कि कितना परसेंटेज इट इज़ लेस और मोर। अब आप देख रहे हैं 300 इसकी ज़्यादा है, आपकी जो दिस इज़ योर परसेंटेज, अब इसमें आपको निकालना है कि कितना परसेंटेज ये ज़्यादा है। क्या से निकालेंगे आप? निकालेंगे ठीक है। अब आप देखिए कि आपके 300 और 312 जो आपका फाइनल वैल्यू आया है उसके अंदर का जो नंबर है वो कितना है, मतलब दिस नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट 24, दिस इज नंबर इज़ इंक्रीज बाय 24, देन आपको ये देखना है कि 24 कितना परसेंटेज है। 24 इज़
24 अपॉन 300 इंटू 100, दिस इज योर 8%। दिस नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 8%। कैसे सॉल्व किया आपने? देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला गया, दिस क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाई 20%। आपने 20% इंक्रीज कर दिया, क्वांटिटी आ गई 360। आपने 10, इस 360 में से 10% रिड्यूस कर दिया, क्वांटिटी आ गई 324। आपने डिफरेंस निकाल लिया, आया 24, 24 300 का कितना परसेंट है? 8% है। देन दिस नंबर इज इंक्रीज बाई 8% ऑफ 300। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को आपको वही बेस मेथड से सॉल्व करके दिखाया है जो मैंने आपको पहले बताया था। परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। यही एक फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। आप इससे रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप इस क्वेश्चन को अपने न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन तरीके के क्वेश्चन को आपको कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। चलिए अगला हम देखते हैं, कंपैरिजन लीडिंग टू बेस सिस्टम। कंपैरिजन लीडिंग टू बेस सिस्टम में आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक परसेंटेज इंक्रीज को दिखाया जाता है, देन देयर इज सर्टेन डिक्लाइन, और उसके बाद हमको आफ्टर द डिडक्शन कुछ अमाउंट को बताना होता है। इसमें हमको बेस वैल्यू का पता नहीं होता, बेस वैल्यू का पता नहीं होता, सिर्फ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज की हेल्प से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। कैसे होते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे द क्वेश्चन है कि द सैलरी ऑफ राम इज इंक्रीज्ड बाई 40%, बट राम परफॉर्मेंस केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है, राम की सैलरी 40% इंक्रीज हुई, बट राम की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच हिज एम्प्लॉयर डिक्रीज्ड हिज सैलरी टू द सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब उसका 40% इंक्रीज क्या हुआ, खत्म हो गया। अब उसकी सैलरी उतनी कर दी गई है जितनी उसकी सैलरी इंक्रीमेंट से पहले थी। ठीक है, सो फाइंड आउट द परसेंटेज डिडक्शन वाज प्रोवाइडेड बाय हिज एम्प्लॉयर। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सर्टेनली दिमाग में ये आता है कि सैलरी 40% इंक्रीज हुई, परफॉर्मेंस की वजह से उसका सैलरी को उतनी कर दी गई जितनी उसकी पहले सैलरी थी, तब उसका कितना डिडक्शन हुआ, तो उस डिडक्शन को निकालना अब हमारी प्रायोरिटी है। अब कई बार सर्टेनली जब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता तो रीजनिंग, इस तरीके के क्वेश्चन को रीजनिंग क्वेश्चन समझ के हम आंसर में कई बार 40% ही टिक कर देते हैं। लगता है कि 40% इंक्रीज हुई, डिडक्शन के बाद उतनी ही कर दी गई, तो आंसर इज 40%। नहीं, बट ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप देखिए, इसमें आपको कहीं पर भी बेस वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं दी है कि आपकी सैलरी थी कितनी, उसमें से 40% इंक्रीज हुई, देन डिडक्शन हो गया, और बेस अमाउंट में सैलरी का बेसिक डिडक्शन परसेंटेज क्या है, आपको किसी तरीके की वैल्यू नहीं दी है। इस क्वेश्चन को आपको एजम्पशन मेथड से सॉल्व करना होगा, एजम्पशन मेथड में आपको वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। मान लेते हैं कि राम की जो सैलरी है वो है एक्स, ठीक है, और इंक्रीमेंट मिलने के बाद
राम की सैलरी हो गई वाई, ठीक है। अब जब उसकी सैलरी मतलब अगर फाइंड आउट द उससे परसेंटेज चेंज में देखें, तो अगर वाई उसकी सैलरी है और वो 40% इंक्रीज हुई फ्रॉम एक्स, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी एक सैलरी थी, उसकी 40% इंक्रीज हो गई, फार्मूला वही है, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू वाला, 40% इंक्रीज हुई। सोचिए एक्स प्लस एक्स इंटू 40/100, ये था, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 + 40/100 हो गया। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। वाई उसकी बढ़ी हुई सैलरी है, एक्स उसकी बेस सैलरी है। इसको सॉल्व किया, हमारा आया डिडक्ट, डिवाइड कर दिया, आ गया 2/5 × x। इसको और सॉल्व किया, ये हो गया हमारा 7/5 × x। एक्स हमारी क्या है, एक्स उसकी पहले की सैलरी है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 5y/7, ठीक है। इसको और ज़्यादा हमने तोड़ने की कोशिश की, तो एक्स इज इक्वल टू को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 - 2/7 × y। नाउ अब आपको डिडक्शन समझ में आएगा उस कॉन्सेप्ट से, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वाई, सॉरी, क्या हम ये जैसे हमने एक्स को लिखा था बाय टर्मिनोलॉजी को, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y - y × 2/7, या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारा जो फैक्टर फॉर्म मिल गया, मतलब दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज डिडक्टेड बाई 2/7, मतलब हमें परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया। अब हमने सबसे पहले वीडियो में जो देखा था कि फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 2/7 × 100, ये हमने इसको सॉल्व किया, दिस इज 200/7, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये अपने 2 टाइम्स ले गए 14, 60, इसको हम 8 टाइम्स ले गए 56, 4 डेसिमल लिया 0, 5 टाइम्स ले गए 35, देन 5, देन ये रिपीट होने लगा तो 6 लिख दिया। तो मतलब हमारा डिडक्शन क्या आ गया, 28.56, ठीक, दिस इज़ आवर डिडक्शन। हमने क्या किया, हमने बस सिंपली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और बेस कंसेप्ट क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। सबसे पहले हमने कंसीडर कर ली रैम की सैलरी एक्स है, इंक्रीमेंट वाई है, वाई को हमने इस तरीके से उसको टोटल वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट से, इसमें इंक्रीमेंट कॉन्सेप्ट से जो हमने पिछली वीडियो में देखा था उसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया, देन फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके इसको इस फॉर्म में ले आए, डिडक्शन का फैक्टर फॉर्म निकाला, फैक्टर फॉर्म का जब परसेंटेज आ गया तो उसको हमने एक्चुअल परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो एक और क्लैरिटी हमको इसमें मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रामा यूजेस राइस एज हिज डेली मील, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइस ऑन राइस वर इंक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंटेज ही हैज टू डिक्रीज हिज कंजप्शन टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम एज प्रीवियस, ठीक है। रामा एक लड़का है, रोज चावल खाता है और
प्राइस इन्फ्लेट होने की वजह से प्राइस इन्फ्लेशन हुआ और 10% राइस के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। अब वो कितना चावल कम खाएगा ताकि वो जितना पैसा अभी दे रहा था उतना पैसा हमेशा दे। अब ये क्वेश्चन है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको वो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालना है इन द कंजप्शन ऑफ राइस। पहले हमें फोकस करना है कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें कुछ क्वेश्चन में डिडक्शन पूछ रहा है ऑन कंजप्शन, कंजप्शन डिडक्शन ऑन कंजप्शन। पूरा फोकस हमें डिडक्शन ऑन कंजप्शन पे लगाना है। अब दूसरी बात करते हैं कि सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि एक्स इज देन योर प्राइस, सपोज हम मान लेते हैं एक्स इज एन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड पी इज द प्राइस, देन कंजप्शन इज इक्वल टू, बेसिक थ्योरी, कंजप्शन इज इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। जितना उसका कंजप्शन है उसने जितना एक्सपेंड किया अपॉन द प्राइस, दिस इज़ अ बेस थिंग। अब नाउ व्हाट हैपेंड, प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाय, दिस इज़ द प्राइस, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। कैन आई राइट दिस होल इन दैट फॉर्म, इज इट ओके, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या मैं इसको और फैक्टराइज करके 11/10 इंटू पी लिख दूँ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न, मैंने इसको और सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब दिस इज़ द इनिशियल कंजप्शन। अगर अब मैं फाइनल कंजप्शन की बात करूँ तो नाउ योर फाइनल कंजप्शन विल बी एक्स अपॉन आपका, वो तो सेम है, अब प्राइस बढ़ गई है, प्राइस हो गई है 11/10 इंटू पी। अब हमारा इसको हम जब फाइनल कंजप्शन की बात करेंगे तो 10/11 एक्स बाई पी, अब इतना इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इनिशियल कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन, तो इस दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ वन दिस इज़ टू, देन फ्रॉम वन एंड टू फाइनल कंजप्शन इज इक्वल टू 10/11 ऑफ इनिशियल कंजप्शन। इसका मतलब आपके फाइनल कंजप्शन और इनिशियल कंजप्शन में 10/11 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमको उसे समझ पता लग जाएगा। यहाँ डिडक्शन है तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जाएगा। अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम फर्दर जब करेंगे 1-10/11 के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो दैट विल बी कम एज 1/11 पार्ट्स। इसका मतलब अब हमें फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया परसेंटेज का, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ 100 का, और ये आपका आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे 100/11 दैट विल बी 9.09%। इसका मतलब कि उसको अपनी कंजप्शन में 9% का डिडक्शन करना पड़ेगा टू लाइक उसको अपने राइस कंजप्शन में 9% का डिडक्शन करना पड़ेगा प्राइजेस को, एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा कि बाकी के परसेंटेज कॉन्सेप्ट में कैसे हम अपने बेस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और कंपैरिजन लीडिंग टू बेस चेंज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। इन क्वेश्चन को मास्टर करने के लिए आपको अपने बेस क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। आई रिकमेंड कि आप इन कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट मास्टर हो जाए, जिससे आप में जो एक सिली मिस्टेक्स करने की जो हैबिट डेवलप होगी इन चीज़ों को करने के लिए वो अवॉइड हो जाए। तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में या इस परसेंटेज के पिछले सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन को पिन करिए कमेंट बॉक्स में, और इससे रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछिए।
और बाकी इन क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा पूरी परसेंटेज की सीरीज़ को दोबारा देखिए, दोबारा पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज़ करिए, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो परसेंटेज का हमारा ये सेक्शन यहाँ जो ही कंप्लीट होता है। अब हम अपने थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे अगले सेक्शन में, जो कि हमारी थर्ड यूनिट होगी प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।